देवऋषि श्री नारद जी जयंती पर विश्व संवाद केंद्र मालवा की ओर से धारनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में नई दुनिया अखबार के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साहित्यिक संपादक ईश्वर शर्मा सहित धार के वरिष्ठ पत्रकार अशोक मित्तल व धार प्रेस क्लब अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी के आतिथ्य में अशोक शास्त्री, सुनील सचान, सुनील दोराय सहित बड़ी संख्या में पत्रकार कलमकारों ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अरविंद चौधरी ने पत्रकारिता से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य वक्ता ईश्वर शर्मा ने देवऋषि श्री नारद जी के चरित्र पर अब तक फैलाए गए भ्रम एवं उनकी वास्तविकता व्यक्तित्व की जानकारी देते हुए वर्तमान परिस्थिति में भारतीय संस्कृति से जुड़े तथ्यों को बताया और सदियों से भारत व संस्कृति पर हुए कुठाराघातों के संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी। साथ ही राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जिम्मेदारियों को भी बताया। आयोजन में शामिल अतिथि वरिष्ठ पत्रकारों ने भी संबोधित करते हुए देवऋषि श्री नारद जी की जयंती पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारिता संबंध में जानकारियां दी। अंत में आयोजन का आभार प्रेस क्लब सचिव पंडित अशोक शास्त्री ने माना। जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जो हम देखते हैं, कई बार नकारात्मक समाचार बहुत तेजी से फैलता है। कहीं भी ये ध्यान में आता है कि इसी गांव में बाहुबलियों द्वारा किसी दलित की बारात रोक ली गई, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, कई बार कारण कुछ और होते हैं, मगर उनको बताया कुछ हो जाता है। कई बार किसी दलित दूल्हे की मंदिर से या फिर तथाकथित उसका सम्मान किया जाता बारात का, तो वो समाचार प्रमुखता से नहीं आ पाते। यह जयंती महर्षि नारद मुनि जी के नाम पर है। नारद मुनि जी को विश्व का पहला पत्रकार माना गया, लेकिन मेरी निजी मान्यता यह है कि नारद मुनि जी की तुलना हम अपने से नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिव्य शक्ति प्राप्त ऋषि थे जो असुरों और देवताओं के बीच सामंजस्य और सूचनाओं का संकलन और जन कल्याण के लिए काम करते थे। उनको दिव्य अलौकिक शक्तियों में किसी स्थान पर विलुप्त हो जाना, किसी स्थान पर प्रकट हो जाना, उसकी शक्ति थी। वो शक्तियाँ आज हमारे पास नहीं है। खास तौर से एक पत्रकार के लिए कि वो हमारे आदि पत्रकार जो हैं देवऋषि नारद, उन पर बात करने का उसे सौभाग्य मिले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इंदौर से मुझे यहाँ नारद जयंती पर बात करने के लिए आमंत्रित किया गया। देवऋषि कहा जाता है नारद को, अर्थात देवताओं के ऋषि, मतलब पत्रकारों पर इतना बड़ा दायित्व है कि वो देवताओं के भी ऋषि हुए हैं। मैंने आज अनुरोध यही किया है धार की गणमान्य जनता से कि हमें अपने अपने भीतर के देवत्व को जगाना होगा, ऋषित्व को जगाना होगा और नारदत्व को जगाना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक पत्रकार है, वो जो सूचना एकत्रित करता है और किसी माध्यम के जरिए आम जनता तक पहुंचाता है, वो पत्रकार है। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में संसाधन है, आवश्यक नहीं कि उसका लिखा अखबार में छपे, वह ब्लॉग के जरिए, इंटरनेट के जरिए दुनिया तक पहुँचा सकता है। तो हर व्यक्ति को अपने भीतर के पत्रकार को जागृत करना होगा, स्वयं को चैतन्य होना होगा, स्वयं को प्रयास करना होगा ये देखने का कि अपने इर्द गिर्द चल क्या रहा है। चल रहा है आशय जो सड़कों पर मवेशी घूम रहे वो नहीं, जो हमारी साफ साफ आंखों से दिखता वो नहीं, अंदर की आंखों से जो देखा जाता है कि समाज में, राष्ट्र में हमारे इर्द गिर्द चल क्या रहा है, उसको देखना, समझना और अपने शब्दों में अपने लोगों को कहना, यही तो पत्रकारिता है। इस नज़रिए से वो गृहिणी जिसके हाथ में मोबाइल है वो भी पत्रकार है, वो युवा जिसके हाथ में मोबाइल है वो भी पत्रकार है, और वो बुज़ुर्ग जिसके पास कल्याण की कहानियां हैं, गीता के श्लोक हैं, जिसके पास रामायण की कहानियां हैं, उसके पास मोबाइल है, तो वो भी घाट पर बैठकर जब अपने पोतों पोतियों को कोई कहानी सुनाता है तो वो एक अर्थों में पत्रकार के स्वरूप में होता है। पत्रकार हर व्यक्ति में होता है, बस हमें अपने अपने हिस्से का देवत्व, अपने अपने हिस्से का ऋषित्व और अपने अपने हिस्से का नारदत्व जगाना होगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध है धार के सभी निवासियों से कि हम प्रयत्न करें कि हम मन से, चित्त से, अंतकरण से चैतन्य बने, क्योंकि जो सभ्यताएं सोती रहती हैं, सुसुप्त रहती हैं, उन्हें इतिहास भुला देता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, न्यूयॉर्क टाइम में एक लेख था, भारत की अपनी पहली सरकार बनी, इस मामले में क्या कहना? स्वाभाविक है, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो कितने भी
तहखानों में दबा दिया जाए, वे उभर के आते हैं। 2014 का सत्य हो या हाल ही में जो ज्ञानवापी का सत्य सामने आया वो, चूँकि मैं धार की भूमि पर खड़ा हूँ तो मुझे कहना चाहिए कि धार में एक जो गौरव का प्रतीक भोजशाला है उसके सत्य का भी अन्वेषण किया जाएगा तो ऐसे ही सत्य सामने आएंगे। और सत्य में वो ताकत होती है कि वो विरोध, उनमें भारत के प्रति गौरव बोध नहीं था, उनमें राम सेतु पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस था, उनमें एक दुस्साहस इस बात का भी था कि वे कहते थे कि भारत के संसाधन किसी और के हैं। 2014 में जो सरकार बनी और जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि यह भारत की सरकार है, वो सही अर्थों में कहा, क्योंकि विचार, संस्कृति, संस्कार, आपका नेतृत्व तो जब दुशाला ओढ़े केदारनाथ की यात्रा करता है, भगवा ओढ़े केदारनाथ की यात्रा करता है, तो ये तथ्य उभर के सामने आता है ना कि सरकार भारत की है। जिस तरह से अभी प्रमाण मिल रहे कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें बदलाव किए गए, तो आगे हमारी जो संस्कृति की व्याख्या है धार्मिक ग्रंथ, क्या उनमें भी आपको लगता है कोई बदलाव? जो क्षेपक डाले गए हैं, जो सत्य था उसमें हर कालखंड में अपने अपने हिसाब से लोगों ने कहा। देखिए, वेद लिखे गए, फिर पुराण भी बने, टीकाएं की गई, मीमांसा की गई, व्याख्याएं की गई, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें कही, तो बाद के वर्षों में अलग अलग लोगों ने छेपक डाल दी, तो जो सच्ची कहानियाँ थी वे प्रहसन और चुटकुले बन के रह गए। तो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हो रहा है, नई शिक्षा नीति के जरिए जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव का स्वागत करते हैं, स्वागत करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इन बदलावों का स्वागत सड़कों पर, चौराहे पर, हमारे कार्यक्रमों में, मंचों में, आयोजनों में भी दिखे, वो सिर्फ दिल में न रह जाए।